हेलो गाइस, मेरा नाम है अनिल और आप देख रहे हैं डार्क लाइट गेमिंग वाइटी। और वापस से आ चुका हूँ मैं कौन नए गेम प्ले के साथ। आप लोग तो जानते ही हैं कि मैं बहुत ही कम 1v1 गेम प्ले लेके आता हूँ, और आज मैंने बहुत समय के बाद वापस से 1v1 पकड़ा था। और ये वाले जो गेम प्लेज हैं ना, काफ़ी पुराने पिछले सीज़न के हैं, और ये मैं दिखाना चाहता था लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था मेरे को। ये सब मैंने आंध्रा में रहते हुए खेले थे। और हाँ यार, तुम लोगों से एक चीज़ के लिए सॉरी भी बोलना था कि मैं तुम्हारे कमेंट्स का जल्दी रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे माफ़ कर देना। अभी थोड़ा सा बिज़ी हूँ, कॉलेज के CC लिखने हैं और बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है उस चीज़ के लिए, और एक दो चीज़ें और भी मन में हैं जो बीत गई, उन सभी चीज़ों के लिए कुछ सोच रहा था मैं। अब वो तो अभी नहीं बताऊँगा किस बारे में सोच रहा हूँ, थोड़ा सा पर्सनल है एक्स्ट्रा, ठीक है। लेकिन हाँ, तुम्हारे कमेंट्स का रिप्लाई पक्का दूंगा, अभी नहीं दे रहा हूँ, लेकिन वो जो कमेंट्स तुमने कर दिए ना, उसका रिप्लाई थोड़े से टाइम में मैं दे ही दूंगा, मतलब आधे एक घंटा, दो घंटा, या अगले दिन तो मैं पक्का ही दे दूंगा। जैसे कि कल के कुछ कमेंट्स बढ़े, उसका भी रिप्लाई अभी तक मैंने नहीं दिया, लेकिन दे दूंगा मैं पक्का, ठीक है। वो भी करना ही है मेरे को, वो मैं गधा हूँ, अब क्या बताऊँ। टाइम मैनेजमेंट कभी कभी नहीं हो पाता है मेरे से, उस चीज़ का दिक्कत है। और अभी मेरे पास सच में टेंशन है, वरना फिर मैं कर लेता हूँ, ऐसा कोई मतलब बड़ी बात नहीं है ये। ओके, यहाँ पे मैंने उसको जो है पकड़ लिया है कॉर्नर पे, और यहाँ पे उसको डैमेज लगना चाहिए था, लेकिन मैं बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहा था। मैं इस प्लेयर के बारे में तुमको थोड़ा सा बता दूँ, इसकी बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं, इस प्लेयर की नेमलेस है ये, लेकिन मेरे को ये इतना ज़्यादा घटिया प्लेयर लगता है ना, इतना गंदा ये लिंक्स के साथ खेलता है, तुम इमेजिन नहीं कर सकते ये कैसा खेलता है। बॉम्ब के बिना ये अटैक ही नहीं करता। अगर इसका बॉम्ब धोखे से मिस हो गया और अटैक नहीं कर पाया बॉम्ब के साथ, और बॉम्ब को आने में थोड़ा टाइम लग रहा है, तब तक ये पूरा वेट करेगा, अटैक वटैक नहीं करेगा ये। और मैंने इसके साथ खेला है और मैं हारा हूँ, OCV हुआ हूँ दो बार इसके लिंक्स से, इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा घटिया खेलता है। और तब से लेकर अभी तक इस गेम प्ले तक मेरा गुस्सा भरा हुआ था इसके ऊपर बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा चीप। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि भाई खेल ले, कीप फाइटिंग, मान ही नहीं रहा, केवल और केवल बॉम्ब। और इतना ज़्यादा क्यों यार चिढ़ है तेरे को इस गेम से, अच्छे से खेल लेता क्या दिक्कत हो जाती। एक मतलब कुछ ट्रॉफीज़ के लिए ऐसे कौन कर सकता है यार, इतनी ज़्यादा निगेटिविटी लेके जाएगा। और देखो यहाँ पे उसका ग्लिच भी स्टार्ट है, ये तुमको अगर पता ना हो तो इलीगल है, ये जो जंप कैंसिल ही कर रहा है ना, ये एकदम से इलीगल है, लेकिन पता नहीं ये क्यों कर रहा है और इसको क्या मिल जाएगा ये सब करके। बस थोड़े से ट्रॉफीज़, इतने से ट्रॉफीज़ के लिए क्या ही भाई रोना, इतना ज़्यादा देखो रहो आ नहीं रहा अटैक करने के लिए, और वही वेट गेम इसका चालू है। अब इस तरह के चीप गेम प्ले को कोई कैसे चीप नहीं बोलेगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये बहुत ज़्यादा प्रो लगता है ये इस तरह का गेम प्ले, देख लो। खैर, कुछ कमियों के साथ कुछ अच्छी बातें भी हैं इसके अंदर, कि टॉक्सिक नहीं है ये बिल्कुल भी। मैंने इसको काफ़ी कुछ सुनाया, जोकर वगैरह ही बोला, लेकिन इसने पलट के कुछ कहा नहीं, इस चीज़ के लिए अप्रिशिएशन। लेकिन फिर भी यार, तुम ये गेम का माहौल बर्बाद किए दे रहे हो ऐसा करके, अब क्या बताऊँ मैं, मेरा तो एकदम मूड ख़राब हो गया। एक तो गर्मी में बैठ के खेलो, आंध्रा में बैठ के मैं इसके साथ खेल रहा था, तो वहाँ पे लिंक्स का ये बॉम्ब स्पैम करना चालू कर दिया, मेरे को एक्सपेक्ट नहीं था इससे ये सब, और उसके बाद इसने ऐसा किया ना, तब मेरा मूड ख़राब हुआ। अगर किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं होती, तब अगर कोई ऐसा करता है तब ज़्यादा ही बुरा लगता है। एडवर्ड टीएक्सन का रैप गॉड है, पता नहीं भाई यार उसको क्या ही चुल्ल मची है, मतलब आग फेंक दिया वो, और ठीक है ना वही जो फ्लेम ऑन अर्थ वाला टैलेंट, उसके बाद वो आगे ही नहीं आ रहा, वो पीछे चले जा रहा है। और जब मैंने थोड़े टाइम के बाद बोला कि भाई की फाइटिंग कर ले, लड़ ले थोड़ा सा, लेकिन नहीं, मैंने एक राउंड पूरा खेला ईमानदारी के साथ, मैंने कुछ बोला तक नहीं उससे, लेकिन फिर जब दूसरे राउंड में ये ऐसा ही हरकत करने लगा, तब तो बोलना पड़ेगा ना यार, तुम हरा रहे हो मेरे कैरेक्टर को, और वो भी ऐसे चीप ट्रिक करके, तो फिर तो बोलूंगा ही मैं। तो वहाँ पे वो खिसिया गया और टॉक्सिसिटी चालू उसकी, मेरा इतना ज़्यादा मूड ख़राब हुआ उस टाइम पे। उससे एक्सपेक्टेशंस नहीं है ना, मतलब एक क्लैन से तो एटलीस्ट मैं ये उम्मीद रख सकता हूँ कि कैंप नहीं करेगा, स्पैम नहीं करेगा, ये तो कर सकते ना, लेकिन अब वो क्लैन वाला बंदा होके अगर ऐसे खेलेगा तो फिर तो बुरा लगेगा। खैर कोई बात नहीं, वो सब बातें अभी हटा देते हैं। यहाँ पे वैसे मैं किसी को जो है ना ऐसे वो भी नहीं कर रहा हूँ, क्या कहते हैं, डीफेम भी नहीं कर रहा हूँ, जो सच है बस वही बता रहा हूँ, फालतू मैं क्यों ही बोलूँगा किसी क्लैन के बारे में। वो दिखा और मेरा मूड ख़राब हुआ, और सुबह जैसे ही मूड ख़राब हुआ वैसे मैं डिस्कॉर्ड में भी जाके बोला कि अरे उसको समझाओ रे कैसा खेल रहा है वो, इतना ज़्यादा पागल कर दिया मेरे को। यहाँ पे रोल इन होके मेरे पास आया, ओके ये लोअर पड़ा, और अभी भी बहुत ज़्यादा गर्मी है, बाप रे मज़ा आ जा रहा है इस गर्मी में। यहाँ पे मैंने फाइनली उसके रेंज अटैक को जो है डॉच कर लिया है, और अभी तुम देख ही रहे हो ना कि कैसे ही अपना वो काम कर रहा है जंप कैंसिल वाला, वो छोड़ेगा ही नहीं, वो वही सब कर रहा है। और फिर से मैंने ग्रैब किया, यहाँ पे थोड़ी सी चालाकी मैंने दिखाना स्टार्ट कर दिया था, अगर वो ऐसी हरकतें कर रहा है तो थोड़ा सा तो स्मार्ट होना पड़ेगा, वरना फिर निपट जाएंगे अपन। ओके यहाँ पे मेरा स्पेशल कनेक्ट हुआ उसको,
मैं पता है एक बहुत बड़े नूब की तरह खेल रहा हूँ इस गेम के अंदर। पता नहीं क्या हो गया था, गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी ना, तो दिमाग काम नहीं कर रहा था मेरा। यहाँ मेरे को भाला फेंकना था, ये वाला, अब उसने डॉच कर लिया यहाँ पे। इतना गंदा डैमेज लगता उसको, लेकिन नहीं, मेरे को खेलना वैसे ही है अपना जो है बेवकूफ़ी वाला काम। ओके, यहाँ पे मैं फाइनली बच गया उसके रिप्स से। और क्या अपन उसको इस राउंड के अंदर फाइनली हरा सकते हैं क्या, देखते हैं। चलो ठीक है, एक मैच तो उसने हरा ही दिया है। वैसे अब यहाँ से मेरे को इस राउंड को जीतने में कोई दिक्कत होने नहीं वाली है, आराम से मैं जीत गया। ओके, वैसे एक और चीज़ यार, अभी मैंने तुमको बताया ना कि थोड़ा सा टेंशन वगैरह में हो, तो मैं मूड ऑफ है और मेरा भी वॉइस ओवर करने का मन नहीं है। तो ये आखिरी बस राउंड होगा जिसमें वॉइस ओवर कर रहा हूँ आज के लिए। कल मैं पक्का एक अच्छा वॉइस ओवर लेके आऊँगा, पूरा प्रॉपर वीडियो वॉइस ओवर वाली ही रहेगी अब से। आज थोड़ा सा बस मैनेज कर लो। ओके, और यहाँ पे और मेरी थोड़ी सी हेल्थ भी ख़राब है सच कहूँ तो, अभी थोड़ा सा, और मूड ऑफ मेरा 2-3 दिन से, लेकिन आज पता नहीं थोड़ा ज़्यादा ही हो गया, ज़्यादा ही सोच रहा हूँ आज मैं काफ़ी कुछ। हटाओ ये सब बातें। अब यहाँ पे लग गया उसको मेरा शेडो, और इसको अब यहाँ से तो हराना है। कसम से बताऊँ तो उस दिन से, जिस दिन इसने मेरे को लिंक से हराया ना, तब से मैंने इसका आईडी ही याद करके रखा है कि इसको जब जब मिलेगा ना, तब तब इसको मैं देख लूँगा। और मैंने फायर गार्ड इसके लिए स्पेशली रखा है कि अगली बार से ये ना हो कि मेरे पास बॉम्ब आके बार बार मारे तो मैं फंसता रहूँ, ऐसा ना हो। और यहाँ पे अभी भी इसका ग्लिच स्टार्ट है। ओके, यहाँ पे हैवी पड़ गया उसको। पता है आज इतना एक छोटा सा वॉइस ओवर करने में ही मेरे को ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया है। बहुत ज़्यादा हल्ला हो रहा था, मैं पागल हो गया। गर्मी में बैठा हुआ हूँ यहाँ पे, मेरे यहाँ एसी वगैरह तो है नहीं, तो अब ऑफकोर्स गर्मी में बैठा हूँ, पंखा वगैरह चालू करूँगा तो फिर आवाज़ बहुत ज़्यादा आएगी, शोर होगा, इसलिए दिक्कत है। अब क्या बताऊँ मैं, और वो हल्ले की वजह से मैं कर नहीं पा रहा, और बैठा हुआ हूँ तब से रूम में, मूड और ज़्यादा ऑफ हो गया इसके चक्कर में। चलो ठीक है, यहाँ पे फाइनली मैंने उसको हरा दिया। वीडियो यहाँ तक अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर देना, भूलना मत, ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो ऑफकोर्स। हाँ, और इसके बाद की वीडियो जो है बिना वॉइस ओवर वाली होगी, लेकिन हाँ ऑफकोर्स क्वालिटी प्लेयर से TXN फ्यूरी भी है आगे, और ये अपन का जो है पता नहीं कौन से रैंक पे था, 68 या कौन सी रैंक पे था पता नहीं, मैंने भूल गया थोड़ा सा। हाँ, तो आगे के प्लेयर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और तुम लोग भी बहुत ज़्यादा अच्छे हो। अगर वीडियो यहाँ तक देखना चाहो तो यहीं तक देखो, और अगर आगे तक देखना चाहो तो आगे तक देख लो, कोई बात नहीं। बाय बाय, गुड नाइट। We'll be right back.
We'll be right back.